किसान भाइयों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, जो मैंने सीरीज बनाई है अब एक किसान ऐसा भी, उसमें ये दूसरी वीडियो है खालिद भाई की। खालिद भाई मुगल माजरा के रहने वाले हैं, सहारनपुर के हैं। टेलीग्राम पर हमारा जो ग्रुप है अमेजिंग किसान सोशल ग्रुप है, उसके सदस्य हैं, डायरेक्टरी में इनका नाम भी रजिस्टर्ड है। खालिद भाई ने ह्यूमिक एसिड घर पर बनाया है बड़े साधारण तरीके से, और ह्यूमिक एसिड को ड्रिंचिंग किस प्रकार की है ये मुझे बताया है, और उन्होंने क्या किया है ड्रिंचिंग करने के बाद 15 दिन में इसका क्या असर पौधों पर हुआ है वो भी दिखाया है। किसान भाइयों, मुझे जैन साहब बार बार कहते रहते हैं, त्यागी जी आप एक लाइन पर बेस्ट डिकम्पोजर करिए, एक पर मत करिए, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए। यही मैं आप सबसे कहता हूँ कि नावेद भाई और जो हमारे जैन साहब हैं हमारी बहुत मदद करते हैं। आप लोग भी थोड़ा आगे आइए, प्रयोग करिए, और वो प्रयोग सफल होते हैं तो दूसरे किसानों के साझा करिए, वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए। आइए देखते हैं खालिद ने किस प्रकार ह्यूमिक एसिड बनाया और किस प्रकार उनको दिया और उसके क्या। नमस्कार किसान भाइयों, मैंने जो परसों एक वीडियो बनाई थी घर पर ह्यूमिक एसिड बनाने का, मैं उसको बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो किसान भाइयों गौर से देखिए, इसे ये गोबर के कंडे हैं, इन्हें कहीं कंडे बोलते हैं, कहीं उपले बोलते हैं, और कहीं इन्हें गोस्से बोलते हैं। हमारे देश में अलग अलग भाषाओं में इन्हें कहीं किसी तरह से बोलते हैं, कोई गोस्सा बोलता है, कोई कंडा बोलता है। ये गोबर के हैं बने हुए, और ये 1 से 1.5 साल पुराने हैं, और इन्हें पानी में डालकर 40 घंटे रखा जाता है। उसके बाद इनको पानी से निकाल लिया जाता है, और फिर वो पानी 10 लीटर पानी में दो कंडे मिलाए जाते हैं, और फिर वो पानी कंडे निकाल कर पानी को इस्तेमाल करने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप गौर से देखिए, ये कंडे हैं, ये हमने 40 दिन पानी में रखे थे, कंडे निकाले हैं, ये पानी से निकाले हैं, और ये इनका जो पोषक तत्व थे वो सभी बाहर हो चुके हैं 40 घंटे के अंदर। और अगर इन्हें आप 1 हफ्ते लग रखोगे तो वो पानी जो है वो ब्राउन से काला हो जाएगा। ब्राउन पानी ही डालना है जो 40 घंटे के अंदर होता है, इससे फालतू मत रखना। मैं इसकी विधि आपको बता रहा हूँ इस्तेमाल करके। ये 40 घंटे का पानी बना हुआ है ह्यूमिक एसिड, जो उपलो से बनाया गया है। हम इसमें पाँच लीटर के करीब पानी मिलाएंगे। हम इसमें 15 लीटर के करीब पानी मिलाएंगे, 15 से या 10 लीटर के करीब पानी मिलाएंगे, और फिर हम इन्हें अपने प्लांट में डालेंगे। हमने इन पेड़ का प्लांट का कल रिंग बनाया था और उसमें DAP लगाई थी, और ये गड्ढा बनाते हैं जिसके अंदर 1 लीटर ह्यूमिक एसिड डालते हैं, और ये ऐसे रिंग में चारों तरफ आ जाएगा, इससे सभी इसकी खुराक मिल जाएगी, और ये 15 दिन के बाद हरा हो जाएगा। हम 50 पेड़ तैयार करते हैं जिनमें DAP लगाते हैं, और अगले दिन फिर ये पानी डालते हैं, इससे उसे सब पोषक तत्व मिल जाते हैं। ये देखे हमने कल कैसा इसमें रिंग बनाया था, हम पानी डाल के रिंग बना के ही दिखाते हैं जिससे पानी इसके अंदर चला जाएगा। हमने इसमें कल DAP लगाई थी, ये गड्ढा है यहाँ, इसमें डाल रहे हैं, और ये पानी सारे रिंग में घूम जाएगा।
इससे क्या होता है कि ज़मीन में नमी रहती है और जो DAP लगाई है वो भी अपना काम करती है। ये मैंने एक प्रैक्टिकल के लिए बनाया है, ये सब पानी रिंग में आ जाता है। ये खोल के दिखाया है आपको गड्ढा, और इससे नमी रहती है। ये ऐसे पानी डालना है 1 लीटर चलते हुए का बना लागो। ये सब पानी रिंग में चला जाएगा। तो किसान भाइयों, ये थी वीडियो ह्यूमिक एसिड की जो खालिद भाई ने हमें भेजी थी। खालिद भाई ने कितने आसान तरीके से घर पर ह्यूमिक एसिड बनाया है, एक बचत की है, और मैंने बार बार कहता हूँ बचत भी एक आमदनी। ड्रिंचिंग का कितना अच्छा मेथड ईजाद किया था कि जो उन्होंने चारों तरफ गहरी नाली कर जो एक चारों तरफ खाद डाला था, फिर मिट्टी डाल दी थी और फिर एक छेद किया था, क्योंकि मिट्टी दबी नहीं है, वहाँ पर कैपिलरीज है, छोटी छोटी जगह बनी हुई है, तो जैसे ही उन्होंने उसमें ह्यूमिक एसिड दिया वो चारों तरफ को घूम गया और पौधे में नीचे अच्छी तरह से लगा। उनके कितने अच्छे पौधे हो गए हैं ये सब आपने देखा है। खालिद भाई ने मुझे एक चीज़ और बताई कि त्यागी जी, पहली फसल मैंने ली थी मई जून में और वो जुलाई तक चली थी बहुत अच्छे। उन्होंने 40 रुपये से लेकर 60 रुपये किलो तक अपने नींबू बेचे। देखिए कितना अच्छा भाव उनको मिला। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो आपने को याद होगा एक मैंने दिया था नींबू पीले कैसे करें, ये हमारी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। तो खालिद भाई बहुत परेशान थे, इतने सारे नींबू को, कच्चे नींबू को, जो हरे नींबू है उनको पीले कैसे करें, अगर पीले हो जाए बाजार में भाव अच्छे। वो भी आइडिया मैंने और खालिद भाई ने डिस्कस किया था और मैंने कहा कि आप इस तरह बोरी में भरो, और जब उनका सक्सेस हो गया उन्होंने मेरे से साझा किया। ये दो बातें भी साझा करी, अगर आपके पास भी विचार हो ऐसे तो आप भी साझा करिए। उन्होंने क्या बताया कि फसल लेने के बाद अगस्त में आप इसकी कटिंग कर, कटिंग करने के बाद जो नई कोपले आती हैं, ये देखें नई निकल रही हैं, इन पर नींबू नहीं आएंगे। जो ये नई कोपले निकलती हैं इन पर नींबू नहीं आएंगे। नींबू के लिए कम से कम वो 3 महीने पुरानी होनी चाहिए। तो जो भी नींबू आएंगे या फूल आएंगे वो इस मजबूत शाखा पर आएंगे, इस पर आएंगे, ये इस शाखा पर आएंगे। आप ये मेरा लेमन का देखिए, ये देखिए अभी जो मैंने खाद लगाया कितनी अच्छी पत्तियां निकल रही हैं। यहाँ पर कोई नींबू नहीं आएगा, नींबू के फल आएंगे तो फूल आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे, जो शाखाएं हैं पुरानी इन पर आएंगे जो भी आएंगे। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि नावेद भाई ने बिल्कुल सही कहा, आपको ये नवंबर के महीने में फूल दिखाई देने शुरू होंगे, जिनकी फसल आपको फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल में मिलेगी, जिसे हम हस्त। किसान भाइयों, आप भी प्रयोग करते रहिए और दूसरों के साथ जो भी प्रयोग करें अगर उसमें अच्छा मिला है तो भी साझा करिए, कोई प्रॉब्लम आई है वो भी साझा करिए ताकि दूसरों को फायदा हो, और अगर आपको किसी वजह से नुकसान हुआ तो दूसरों को नुकसान से बच जाए, यही एक सामाजिक बात होती है। इसी के साथ खुश रहिए, इजाजत लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।